हाइट वाला तो खाली उतर तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं हरिहर फोर्ट घूमने के लिए। अभी हम त्र्यंबकेश्वर के घाटियों में हैं। ये किला त्र्यंबकेश्वर के घाटियों में स्थित है। ये किला नासिक से 40 किलोमीटर की दूरी पे है और मुंबई और पुणे से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। ये किला ब्रह्मगिरी पर्वत के एग्जैक्ट पीछे है। हमें अपनी व्हीकल्स को किले के नीचे वाले गाँव में रखनी होती है और उधर से हमें पैदल जाना पड़ता है। लगभग लगभग 1-1.5 घंटे का रन होगा किले तक जाने का। देखिए, अभी हमें ऐसे जंगल के रास्तों से और ऐसे पथरीले रास्ते से ऊपर चढ़ना होता है। पूरा रास्ता लगभग लगभग ऐसा ही है और एक किला 2 या 3 स्टेज में बना हुआ है। किले के नाम से ही पता चलता है कि यह किला किसी हिंदू राजा ने बनाया होगा। ये किला यादवों ने बनाया था और यह किला मुख्य रूप से व्यापार के लिए बनाया गया था। यह किला अहमदनगर संतुलन के अधीन भी था। 1636 में इस किले के साथ कुछ अन्य किलों को शाहजी भोसले जी ने मुगल जनरल खान जमान के हवाले कर दिया था। इसके बाद 1818 में त्र्यंबक के पतन के उपरांत यह किला ब्रिटिशों के अंदर में आ गया। हरिहर किले के अलावा 16 और किलों पे कैप्टन ब्रिग्स ने अपना अधिकार जमा लिया था। यह किला हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यादव यहाँ पहले चालुक्य के सामंत थे। जब 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश का पतन हुआ, उसके बाद यादव राजा भीलमा ने अपना अधिकार स्थापित किया था। उसके बाद राजा सिम्हा टू ने यादव साम्राज्य को बहुत ताकतवर बना लिया था, जो 14वीं शताब्दी तक बहुत सफल रहा था। इस किले की ऊंचाई लगभग लगभग 3,500 फीट है। महाराष्ट्र के कई रहस्यमय किलों में से यह किला भी शामिल है और सभी किलों में से यह किला सबसे अलग है, क्योंकि ये ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बना हुआ है। देखिए, अभी हम 3rd स्टेज पे आ गए हरिहर फोर्ट के। तो कितना ऊंचा है इधर से और 400-500 मीटर ऊंचे। देखिए, ये सीढ़ी हमें चढ़नी है ऊपर से जाने। इस साइड में देखो किसी खाई है। देखो ये खाई, ये तो अभी 3rd स्टेज पे। अभी जितना ऊपर आए उससे और उतने ऊपर जाने, बहुत खतरनाक फोर्ट है। आपल्या बरोबर राजेंद्र आणि शुभम, नागपूर वरून शुभम से हाय। शुभम शुभम ते नाकातून रक्त निघायला लागलं थकून। अभी हम 177 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए, जो 90 डिग्रीज की सीढ़ियाँ रहती है वो चढ़ के ऊपर आए। अभी देखिए, हम इधर से जा रहे, देखो कितना छोटा सा रास्ता है ऊपर किले के ऊपर जाने के लिए। अगर कोई भी इधर मस्ती करता है तो नीचे गिर जाएगा, तो मिलेगा भी नहीं वो, क्योंकि नीचे पूरी खाई खाई है। देखिए कितना छोटा रास्ता है। बारिश के मौसम में यह रास्ता बहुत ही खतरनाक हो जाता है, लेकिन उतना अच्छा भी लगता है बारिश के मौसम में देखने के लिए किला, लेकिन खतरनाक भी बहुत है। ज़्यादा बारिश के टाइम पे गवर्नमेंट इस किले को बंद कर देती है। देखिए कैसा रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इस किले को हवा महल के रूप में राजपरिवार को गर्मियों के मौसम में ठंडक देने के लिए बनाया गया था। हरिहर किले के ऊपर से वातावरण की जानकारी और बरसात का अनुमान लगाया जाता था। यह महल राजपरिवार को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए बहुत ही उपयुक्त था। अगर हम शॉर्ट में इस किले का वर्णन करें तो इस किले को एक वॉच टावर के रूप में बनाया गया था कि कोई भी दुश्मन आए और हमें तुरंत पता चले, यानी कि राजा महाराज को तुरंत पता चले ऐसा। राजेंद्र राजेंद्र ट्रैकिंग करता ना, तुम्ही पाहत आहेत राजेंद्र। सॉरी
अभी हम इस किले के ऊपर आ चुके हैं। यह किला एक अद्भुत शांत वातावरण में बनाया है। इस किले के ऊपर आपको पानी के कुंड, कई बड़े दरवाजे और एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। इस किले से आपको बासकर किला, दक्षिण में अवध पट्टा, उत्तर में सातमाला, उतावर पीक, ब्रह्मा हिल्स, वेतना रेंज, कलसुबाई रेंज और सेलबारी रेंज दिखाई देती है। इधर अभी बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है और बारिश आने के संकेत भी हैं। इधर का मौसम नासिक में से सबसे ठंडा इधर रहता है क्योंकि इस किले के चारों साइड में पहाड़ है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर उस टाइम पे राजा महाराजा आते कैसे होंगे। वो भी इतनी मेहनत करते होंगे कि 90 डिग्रीज के सीढ़ों पे चढ़ के ऊपर आए। ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर ही जा रहे हैं। एक्चुअली इतना ऊपर कैसे कोई आएगा, कोई होगी राजा, या उनको ऊपर आने के लिए कोई अलग से कोई रास्ता है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उनको ऊपर आने के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं है, इसी रास्ते से उनको ऊपर आना था। ये इस किले को ऊपर आने के लिए एक ही रास्ता बनाया गया है और इसलिए इस किले को जितना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। हाय टू ऑल, आता खाली उत्तर तो है खूब डेंजर है, कैसे उतरता है बगा। अरे राजेंद्र ले ले, मेरा ले ले पहले। वीडियो कॉल कर रहे हो, तुमको फोटो दिख रहा है। अरे मॉडर्नर सुन। अरे राजेंद्र वीडियो कॉल मत कर, अभी रख दे, अभी वीडियो निकाल रहा हूं। तुम थोड़ा सुनो, चलो रुको, पीछे देखो, हम लोग का देख ले रहे हैं। वुडलैंड का जूता मार रहे मेरे को, जलती कर रहे, जल्दी कर, मतलब क्या इधर हलवा है क्या? अरे आज तो क्रॉस है, नीचे भी है लोग, जल्दी कर रहे। है क्या? चला लौकर बस रे माता रे, सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा किला दिखा नहीं पाया क्योंकि ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई थी और इसी कारण मुझे मेरा मोबाइल रखना पड़ा था। और अभी एक्चुअली में ये हम नीचे जा रहे हैं तो हम ऊपर आते समय मैंने शूटिंग निकाल नहीं पाए थे, इसलिए अभी मैं नीचे जाते समय शूटिंग निकाल रहा हूँ। देखिए कितनी डेंजरस ये चढ़ान है, जहाँ से हम नीचे जा रहे हैं अभी। एक्चुअली मुझे जब मैं ऊपर आ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अगर ऊपर से कोई मेरे ऊपर गिरा तो मैं तो गिरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ नीचे वाले सब लोग गिर जाएंगे। मुझे तो ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा, लेकिन नीचे उतरना थोड़ा सा आसान है। जब आप ऊपर चढ़ोगे ना तो ये सीढ़ियों में थोड़े खांचे किए हुए, उसको पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना रहता है, बारिश के मौसम में भी और ऐसे नॉर्मल टाइम पे भी। उतरने के टाइम पे आप ऐसा ऐसे मत उतरिए, थोड़ा सा तीछे पैर करके उतरिए तो आपको आसानी हो जाएगी उतरने के लिए। नीचे उतरने के समय अगर आप अपने पैर को तीछे डाल के चलते तो आप आसानी से नीचे उतर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं नीचे उतरना। लेकिन आप अगर अपना सिर सीढ़ों के सामने करके उतरते हो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी उतरने के लिए। इन सीढ़ियों को देख के लगता है कि ये किला बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था, यानी कि कोई भी अगर आक्रमणकारी आक्रमण करता भी है तो उनको जस्ट ये एक ही रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है ये, और जो ऊपर में जो पहाड़ को काटा गया है वो एक रास्ता, तो बहुत मुश्किल है इधर से ऊपर चढ़ना। इस किले को जीतने का मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है कि आप किले के चारों साइड में अपनी सेना को रख लो और ऊपर है ना अन्न पानी की सुविधाएं बंद कर दो। अगर ऊपर राशन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली किला जीत जाओगे, बस एक ही मुझे रास्ता दिखाई देता है, बाकी तो कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई आक्रमण करता भी है और नीचे की सेना को पूरा हरा भी देता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ के ऊपर की सेना को कैसे हरा पाएगा क्योंकि एक ही रास्ता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो मुश्किल है। तो जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताया वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है मुझे। अद्भुत किला है
एक टाइम पे इस किले पे कितनी सारी रौनक होगी। राजा महाराजों का शासन था इस किले पे, सेनाएं रहती थी, नीचे से लोग न्याय के लिए ऊपर आते होंगे। और आज की डेट में देखिए किला पूरा वीरान पड़ा हुआ है, ना ही ऊपर महल है ना ही कुछ है, जस्ट किले की दीवारें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सच्ची में टाइम कैसे चेंज हो जाता है कोई नहीं बता सकता। चलिए अभी अपना सफर तो ख़त्म हो गया, मैं फिर सोचूंगा इस किले को मिलने के लिए आऊँ, लेकिन वो भी बारिश के मौसम में, देखते अभी कब मेरे को टाइम मिलता है उसके लिए। चलिए बाय। आप ले एक मारे निकाला का मार लो कर।